आप देख रहे हो टेक फाइबर। सो व्हाट्सएप ने बहुत टाइम पहले ही स्टिकर्स नाम का ये फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था अपने ऐप के अंदर। और सबसे पहले तो बीटा जितने भी यूज करते हैं बीटा वर्जन ऑफ व्हाट्सएप, तो उसको जितने भी लोग यूज करते हैं उन लोगों ने इसके ऊपर ऐप्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो कई सारे स्टिकर पैक्स मिलने लगे और पता नहीं क्या क्या मिलने लगा था। लेकिन आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपने खुद के कस्टम स्टिकर्स बना सकते हो। यस, खुद के कस्टम स्टिकर्स, चाहे वो अपनी शक्ल बनानी है या फिर किसी और की शक्ल स्टिकर बना के भेजनी है या फिर कुछ भी भेजना है आपको, चॉकलेट, बैट, बॉल, साइकिल, कुछ भी भेजना है आप लोग को, आप भेज सकते हो आराम से। तो फिर चले इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ आप लोग कैसे कर सकते हो। और अभी आप लोग देख सकते हो ये एक्चुअली मेरा ही स्टिकर है, मैंने इसको बनाया। तो चले बताता हूँ आप लोग कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसको यूज कर सकते हो और सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है मेरा फ़ोन। तो फिर इसके अंदर मैं आप लोग को दिखा दूँ व्हाट्सएप ने जो फीचर इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टिकर्स आपको इस इमोजी आइकन के नीचे मिल जाते हैं। तो जैसे आप इसको टैप करते हो यहाँ पे आगे सारे सारे इमोजी, तो यहाँ पे है स्टिकर्स का आइकन। तो जैसे आप इसको टैप करते हो सारे सारे स्टिकर्स आ जाते हैं। ये रहा फेवरेट्स, बहुत सारे मतलब कि मूड के हिसाब से सैड है तो ऐसा कुछ और पता नहीं क्या क्या। फिर हमने ये आ गया मंकी एंड ऑल। तो फिर मैं अगर आप लोगों को कस्टम मतलब कि माई स्टिकर्स में दिखा दूँ तो माई स्टिकर्स में अभी सिर्फ बनाना, कोको, कपी एंड पता नहीं क्या क्या है। तो फिर ये सारे के सारे अभी मेरे फ़ोन के अंदर स्टिकर्स मैंने डाल के रखे हैं। तो अभी आप लोगों को मैं एक ऐप के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है स्टिकर मेकर। इससे आप कर कह सकते हो कि इससे आप अपने कोई भी मनपसंद स्टिकर्स बना सकते हो। बहुत सिंपल है, आपको जाना है अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में, फिर आपने आपको डालना है स्टिकर मेकर और आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। और फिर डाउनलोड करने के बाद आपको करना है सीधा ओपन। तो फिर आप ओपन कर सकते हो और इसका कोई नया अपडेट आया तो फिर मैं उसको बाद में कर दूंगा। तो फिर अब आपको करना क्या है, जैसे आपने स्टिकर मेकर ओपन किया फिर मैं आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टिकर पैक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक नाम टाइप करना है, 5 लेटर्स नहीं तो डिजिट से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TF शाश्वत करके और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक फाइबर। तो क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे और इसको टैप करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो एम्प्टी हैं। तो आप टोटल 30 स्टिकर्स बना सकते हो, 30 मैक्सिमम है। और यहाँ पे आपको एक ट्रे आइकन भी बनाना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ है जिसके मैं बना सकता हूँ स्टिकर्स। तो चले बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको टैप किया और अब आपको देख सकते हो यहाँ पे गैलरी खुल जाती है। तो यहाँ पे मैं इस स्टिकर का, ये रहा मेन हेड। तो फिर मैंने इसको एक ट्रे आइकन बना लिया है, तो ये रहा। तो फिर इधर आपको थोड़े बहुत टूल्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल, पूरे पूरे इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर में आपको और एक ऑप्शन मिलता है फ्री हैंड और स्क्वायर में अगर आपको कट करना है किसी इमेज को तो फिर आप वो कर सकते हो। और अगर आपको सर्कुलर कुछ कट करना है तो इमेज में तो फिर आप वो कर सकते हो। तो जैसे मैंने सर्कल वाला ऑप्शन टैप किया, आपको जस्ट ड्रैग करना है किसी एक एंड से और मैं इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये देखिए एक सर्कल में मेरा जो है मतलब स्टिकर मैं बना सकता हूँ। तो फिर नो ड्रैग इन करके आप वापस ट्राई कर सकते हो, जैसे स्क्वायर वाला मैंने दबाया था तो स्क्वायर में ऐसा। और फ्री हैंड में आपको अपने हाथ को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप लोगों के पास कोई स्टाइलस जैसी कोई चीज़ है तो भी उससे परफेक्टली बन जाएगा। मैं अभी जैसे हाथ से कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तो मेरी ड्राइंग है नहीं। तो ये मैंने बना लिया है ट्रे आइकन, तो इसको मैं यस सेव स्टिकर कर लेता हूँ। तो ये बन चुका है ट्रे आइकन। तो अब इसके अंदर मैं अपने कस्टम स्टिकर्स बना सकता हूँ। तो कस्टम स्टिकर्स बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखनी है, आपका स्टिकर पैक तभी चालू होगा जब आप ये 3 स्टिकर्स को बना लेते हो। जब तक आप इन 3 स्टिकर्स को नहीं बनाते तब तक आपका ये ऐड टू व्हाट्सएप वाला बटन अच्छे से काम नहीं करेगा। और हाँ, इसके अंदर एड्स हैं तो यहाँ पे आपको ये वापस बता रहा है 3। तो यहाँ पे मैं पहले तो 3 इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा ब्लैक एंड वाइट मैंने बना लिया था, तो मैं अभी इसको कट करने वाला हूँ, मतलब कि फ्री हैंड में ही करूँगा। तो यहाँ पे इसको लेके चला बाल के इधर से एंड देन अच्छे से कट कर लिया इमेज को। तो एज यू कैन सी उतना भी अच्छा नहीं है मेरा हाथ कि मैं अच्छे से इसको कट करूं। फिर मैं दूसरा इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूं ये वाला और इधर मैं वापस से इसके अंदर लेके आता हूं उंगली अपनी, पता नहीं कहां से कहाँ से काट रहा हूं। तो हो गया ये एक और स्टिकर। और थर्ड स्टिकर मैं बना लेता हूं डाउनलोड से, तो ये रहा ज़ेनफोन मैक्स प्रो का हेड। तो फिर मैं यहाँ पे इसका कैमरा जो है इसको एक स्टिकर बना लेता हूं। तो कैमरा को मैंने एक स्टिकर बना लिया है, बस इन 3 स्टिकर्स के साथ अभी हम लोग खेलते हैं। बाकी के स्टिकर्स को भी आप लोग लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप
लगा सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, ऐड टू व्हाट्सएप, यहाँ पे बटन मिल रहा है, इसको सीधा टैप कर दो, ऐड वापस आया, इसको बंद कर दो, और वापस आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू ऐड ये वो, तो ऐड कर सकते हो सीधा सीधा। और जो आइकन पैक जो हम लोग मतलब स्टिकर पैक जो हम लोगों ने बनाया है वो अब व्हाट्सएप में ऐड हो चुका है। और इसको चेक करने के लिए आप कोई भी व्हाट्सएप चैट खोलो, फिर बाद में वहाँ पे इमोजी आइकन को टैप करो, और जैसे आप इमोजी आइकन को टैप करते हो फिर बाद में आपको जाना है स्टिकर आइकन पे। स्टिकर आइकन को टैप करने के बाद आपको टैप करना है ये, अगर आपको आपका जो ट्रे आइकन है वो इधर नहीं दिखता, जिससे मुझे तो दिख गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ट्रे आइकन नहीं दिखता है इधर की तरफ, तो फिर आप सीधा इस प्लस बटन को दबा देना, जिससे आप सीधा सीधा अपने मतलब कि इमोजी मतलब कि जो भी आपने स्टिकर पैक बनाया है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग का कस्टम स्टिकर, तो यहाँ पे मैं अपने आपको भेज सकता हूँ किसी को भी, तो ये रहा मैंने 3-4 एक साथ भेज दिए, तो एज यू कैन सी ये जा चुका है। और अगर मैं अपनी फोटो पे टैप करता तो यहाँ पे स्टिकर के बारे में बता रहा है, TF शाश्वत टेक फाइबर, ऐड टू फेवरेट्स, कैंसिल, व्यू मोर। तो सामने वाले को भी अगर इसको टेस्ट करना है अपने फ़ोन के अंदर तो फिर वो व्यू मोर को टैप कर सकता है, जिससे वो डायरेक्टली प्ले स्टोर में चला जाएगा, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है इस स्टिकर मेकर को। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना ही था। और एक और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको एकदम फाइन मतलब कि बैकग्राउंड को निकालना है तो फिर आप बैकग्राउंड रिमूवर को भी यूज़ कर सकते हो, इसकी भी आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ये भी बहुत अच्छा है और छोटा सा ही है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं प्ले स्टोर में, तो फाइन इन प्ले स्टोर, तो ये रहा प्ले स्टोर के अंदर, तो ये बहुत ही छोटा ऐप है और आप लोग जाके इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल भी है। तो फिर आप इसके अंदर अच्छे से जाके अपने फ़ोन के अंदर जितने भी आपके फ़ोटोज़ हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, जो भी आप चाहते हो कि उन सबको आप एडिट करके अपनी मनपसंद जगह पे लगाओ, तो फिर जाओ यार। अब मैं क्या कहूँ, मैं भी तो अपना एक बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, क्रॉप आपको जितना भी करना है अपनी फ़ोटो को आप कर सकते हो, एंड देन डन कर लो। फिर बाद में आप यहाँ पे इरेजर का साइज़ भी बढ़ा सकते हो साथ ही साथ, फिर बाद में आपको जो भी गायब करना कर सकते हो। मैंने अपनी शक्ल गायब कर दी और आपका जो मन है आप वो सब चीज़ गायब कर सकते हो। तो यार ये सभी आप लोगों ने सीख लिया है यार स्टिकर्स कैसे बनाते हैं, वो आपको जिसको भी भेजना है भेज सकते हो, चाहे किसी की शक्ल भेजनी है, या फिर किसी के बाल भेजने हैं, या फिर हाथ पैर कुछ भी भेजना है आप लोग भेज सकते हो आराम से। मेरे टी शर्ट पे 86 लिखा है, वो भी आप लोग काट के भेज सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना, आपको अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो और शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी सीख सके कि यार इन स्टिकर्स को कैसे बनाते हैं। तो फिर जैसे आपने किसी का मजाक बना के उनका स्टिकर भेजा तो फिर वो भी आपको मजाक बना के स्टिकर भेज सकता है, उतना भी ज्यादा फनी नहीं था। बस यार इस वीडियो में बस इतना, आपको मिलेगा नई वीडियो में। और हाँ एक और बात, बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार वीडियोस इतनी लेट क्यों आ रही हैं, तो फिर एक सिंपल सा वर्ड मैं कहूँगा जिससे आप लोगों को पूरी स्थिति मेरी समझ में आ जाएगी, वो वर्ड है एग्जाम्स। तो समझ में आ चुका होगा कि किस लिए वीडियोस लेट आ रही हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको ठीक करने में, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता, क्योंकि एग्जाम्स चलते ही रहेंगे। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना, आपको मिलूंगा अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा सी यू, मिलता आपको नई वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।